मामला कैड़ा हो गया, 12 महीने हो गए किसानों को संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, और सरकार टस से मस नहीं हो रही। अब की हो जाएगी 2022 में बिल्कुल बीजेपी जड़ से उखड़ जाएगी। कैसे उखड़ेगी? वोट डालेंगे। वोट तो आप बीजेपी को देते हो? नहीं देते बीजेपी को, बीजेपी के विपक्ष में देंगे, जैसे देंगे जो बीजेपी को हराएगा। बीजेपी कह रही है 300+ इस बार। बिल्कुल झूठ बोल रही है, बेकार ही है। झूठ कहाँ बोले, तो सच्चे आदमी है वो लोग। बिल्कुल सच्चे कहीं नहीं है, सच्चे पहले है, उनके पहले सच्चाई में लोग मुड़ गए, लेकिन अब कोई ना मुड़े। बारो यूपी में विकास के गंगा बह रही है। बिल्कुल गंगा नहीं बह रही, पहले जो बहुएं ब्याह शादी को आई उनकी समाजवादी पेंशन ही, आज किसी की पेंशन नहीं रही। 2000 रुपए से बहका दिया जाता है उसी समय आके। तो आत्मनिर्भर बना रहे, दूसरे के भरोसे कब तक रहोगे? नहीं रहेंगे, अपने हाथ मेहनत से कमाएंगे, तो खाएंगे। तो कर रहे हैं मोदी जी आत्मनिर्भर नहीं कर रहे, मोदी जी बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। कोई मोदी जी के बहकाने में नहीं आएगा। एक अच्छा काम तो बता दो। अच्छा काम एक भी नहीं है बीजेपी का, योगी जी का। एक भी योगी जी का नहीं, दोनों रड़ुए हैं, दोनों बेकार हैं, उनके बाल बच्चे नहीं है। बच्चों वालों की समस्या नहीं समझते कि भूखे बैठे हैं कि प्यासे बैठे हैं। आंदोलन में तो ज्यादा रंडुए कर रहे हैं यहाँ पर। ना वो रड़ुए नहीं कर रहे, बच्चे वाले बहुत कर रहे हैं। या रंडुओं की तादाद भी ज्यादा है? ना ना ज्यादा, अत ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, तो आप यूपी से आते हैं जी, जैसे वादे कर रहे हैं योगी जी कि गुंडा मुक्त कर दिया हमने, एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, शिक्षा। कोई गुंडा मुक्त नहीं कर दिया उन्होंने, 200-250 पंडित मरवा दिए, बढ़िया बढ़िया छट्टा छट्टा, जो आगे कभी सरकार को चोट लगा देते इसलिए, और उन्हें कुछ नहीं कर पाया है। तो कह रहे अपराधी मारे हैं हमने, अपराधी एक अपराधी मारा है, उसके साथ में 50 गैर अपराधी मारे। कह रहे हैं तो गाड़ी पलट जाती है एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट में कहाँ पलट जाती है, कौन नहीं समझ रहा था उस बात को, सब जान रहे थे। बताओ जाति धर्म पे होगा ना वोट? तो कोई जाति धर्म में नहीं बहका, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। उन पे ये मुद्दा था वहाँ का, अयोध्या का, वो मंदिर बन गया उसी मुद्दा पे। 85 साल से सरकार को चोट देते थे, लेकिन वो सब समझ गया, मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। अब मुसलमानों से लड़ाई क्या रहेगी? बनवा रहे हैं उस पर वोट, पे कोई नहीं बहकेगा, मुस्लिम और हिंदू बिल्कुल नहीं बहकेंगे, और नहीं बिल्कुल एक साथ रहेंगे। ओबीसी तो आ रहे हैं चुनाव, ओबीसी को कोई वोट ही नहीं दे रहा। आप उनसे बात करते हो गए, कौन सा मुसलमान भाई कहता है हम तुम्हें वोट देंगे? कोई भी नहीं दे रहा उन्हें। मुसलमान तो कह रहे हम किराए के घर में, बिल्कुल नहीं दे रहे। मुसलमान भाई साहब मना कर रहे हैं कि वो आवे चाहे मत आवे, हम उन्हें एक वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं देगा? नहीं, मुसलमान भाई नहीं वोट देंगे उन्हें, अपनी जाति धर्म पे। अंकल जी को पकड़ा दो, देंगे मुसलमान बीजेपी के विपक्ष में देंगे, जो बीजेपी को हराएगा जो उसको उसको देंगे, बीजेपी को टक्कर देगा। हराएंगे तो प्रियंका गांधी वोट दो। कौन? प्रियंका गांधी। हो सकता है प्रियंका गांधी नहीं हरा पाए और दूसरा कोई हरा दे उसको दे। इसका मतलब आपके दिमाग में अखिलेश घूम रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि जिस जो हराएगा उस समय बताएगा। जैन चौधरी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 6000 जो मिल रही है आपको राशि, वो हम 12000 करेंगे। कौन? जैन चौधरी। बढ़िया कह रहे हैं, मोदी जी ने भी तो बोला था 15। जैन चौधरी बढ़िया कह रहे हैं, जैन चौधरी तो हमारे साथ हैं, जैन चौधरी तो किसानों के नेता हैं, पहले से ही नेता हैं। आप साथ नहीं हो पर बिल्कुल साथ हैं जैन चौधरी के। आपके नेता ने एक बार भी नहीं कहा कि वो हमारे नेता से उनकी बात हो रही है, वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, वो बड़े बड़े आदमी है, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। हम तो आम किसान है, तो हम तो विपक्ष में बीजेपी की विपक्ष में आए। पुलिस ने रास्ते खोल दिया आगे के? कोई रास्ता नहीं खोला, सारे बंद है। अब हमसे बात हो गई, हम तो बीजेपी की विपक्ष में आए और बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट देंगे। 26 तारीख के लिए टिकैत साहब ने कहा आखिरी चेतावनी हमारी 26 नवम्बर आखिरी। कैसी आखिरी चेतावनी दी है सरकार को? 26 नवंबर तक सुन ले सरकार, आंदोलन स्टार्ट कर देंगे फिर 26 तो फिर दोबारा 26 तारीख के बाद इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पहले से ज्यादा। कृषि मंत्री कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होते। चलो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, देखी जाएगी। भटक गए रास्ते से? नहीं भटकेंगे, नहीं लड़ाई लड़ना है, लड़ाई लड़ेंगे समय तक। ये संयुक्त मोर्चा के नेता जो इनमें फूट पड़ गई क्या? किसी में फूट नहीं है, कहाँ फूट है? मीडिया वाले डाले किसानों का हित छोड़कर अपने हित में तो नहीं, नहीं किसानों के हित में लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को मंच से कहना पड़ा कि निकल कर आओ झोपड़ियाँ खाली हैं। अगर यहाँ पर लोग होते तो ये थोड़ी कहना पड़ा। नहीं नहीं, कोई झोपड़ी खाली नहीं है, त्योहार का दिन है, सारे लोग आ रहे हैं, काम का टाइम। देखो हम त्योहार पे आए, नहीं काम का टाइम है, धान भी कट रहा है, हाउस अरेस्ट नहीं करा, सब लोग जो है धोखा दे रहे हैं। वीडियो दिखा दे। अरे राकेश टिकैत जी के नाम पे मर रहे हैं, धोखा कैसे दे जाएंगे भाई? उनके नाम पे मर रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
और हम उन्हें धोखा दे जाएंगे। क्यों चिंता करनी पड़ रही है फिर इस बात किसकी कि झोपड़ी कुछ नहीं कि जो जिस कोई चिंता नहीं है उनको तैयार हो जाएंगे वो आदेश करें जो वो ये कह रहे हैं जो जो किसान अपनी भैंस का बहाना लेके कि दूध ना काटेगी मेरे बगैर वो घर बैठे है उसका किसान यूनियन में कोई काम ना है क्यों कहना पड़ा ये इसका मतलब ये है कि लोग आना नहीं चाह रहे और आप लोग जबरदस्ती लाना चाह रहे हैं बहुत आ रहे हैं सब बीजेपी वाले हैं वो नहीं आएंगे वो बीजेपी कुछ लोग आपके साथ बीजेपी वाले नहीं कुछ बीजेपी के कुछ लोग भेज दिए गए आए दो चार लोग जैसे हम चार लोगों को गुमराह किया लेकिन उनकी बात में कोई नहीं बैठेगा भाई काम ठीक से नहीं हो रहा कमेटी भंग भी करनी पड़ेगी। अरे कहाँ भंग हो रही है भाई कमेटी भंग कर दी तो बन जाएगी दूसरी बन जाएगी जो काम नहीं करेगा उसे हटाएंगे जो काम करेगा उसे बढ़ाएंगे बीजेपी को जल से उखाड़ के फेंक देंगे मानो मत मानो ताऊ कुछ तो मामला हो रहा है कोई मामला नहीं भाई भी नहीं है चौकनी बढ़ गई।